अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर आप अप्लाई कर सकते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स 155। तो अब जो है हम इसकी डिटेल्स देखेंगे, उसके अलावा इसमें क्या एलिजिबिलिटी है और उसके अलावा इन एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ज्वाइंट पाक आर्मी में पे जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स मिलेगा पीएमए लॉन्ग कोर्स सी, डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद इसकी जो है एलिजिबिलिटी आपको शो हो जाएगी। इसमें आप 70 to 22 years इवन के 25 years तक अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड हो, लेकिन अगर आप आर्म्ड सर्विंग है तो फिर आप जो है 20 years से आपकी जो एज लिमिट ज़्यादा हो और आप मेरिड हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल है और मिनिमम हाइट 5.4 inches होनी चाहिए, उसके अलावा 5.4 feet होनी चाहिए, उसके अलावा जो है वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 22 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वो जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका जो टेस्ट होगी 18 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक होंगे। उसके अलावा नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद ड्यूअल नेशनलिटी और इकामा विल हैव टू सरेंडर देयर इकामा। उसके अलावा हमारे पास जो है फर्दर मोर इसकी जो डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको हमें मिल रही है, एजुकेशन अगर आपने इंटरमीडिएट की है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 70 to 23 years लेकिन जो है आप सर्विंग हो कहीं पर आर्मी में, ग्रेजुएट विथ 4 years ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो फिर आपको एक चांस मिलता है, एक्स्ट्रा चांस, जो कि आपके 17 to 24 years एज जो आपकी अगर है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये ग्रेजुएशन वालों के लिए ऑफर है कि वो 24 years तक अप्लाई कर सकते हैं और सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो है 25 years तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 55% एफएससी में होना चाहिए, या अगर आप बीबीए बीकॉम वगैरह किया है तो फिर आपकी 60% होनी चाहिए, और उसके अलावा सर्विंग आर्मी जो सोल्जर्स हैं उनकी 50% मार्क्स एफएससी में होनी चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स नॉट इशूड विद केयर सर्टिफिकेट्स आर इन पोजिशन ऑफ डुप्लीकेट रिवाइव मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिक और इंटरमीडिएट मस्ट गेट अ वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट साइंड बाय द सेक्रेटरी, ठीक है। आपको जो है अब अगर अभी तक मार्कशीट नहीं मिली, हो सकता है आप इंटरमीडिएट में अभी आपने क्लियर किया हो लेकिन मार्कशीट नहीं की, अब इसमें एफएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने 11 कंप्लीट कर दिया है, अभी 12 का आपका रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट जो है जैसे आएगा तो फिर आप इसमें अपनी मार्कशीट और जो है सारी चीज़ें सबमिट करवाएंगे वेरिफिकेशन करवाने के बाद बोर्ड से। इन एलिजिबिलिटीज़ में क्या है, क्या आपने अगर पहले भी अप्लाई किया था और ट्वाइस रिजेक्टेड है, ISSP से 2 दफ़ा रिजेक्टेड हैं, या फिर थ्राइस फेलियर इन इनिशियल टेस्ट, इनिशियल टेस्ट आपने 3 दफ़ा दिया है और 3 दफ़ा फेल हो चुके हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई भी किसी किस्म के इलीगल काम में इन्वॉल्व है या कोई चीज़ है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस फॉर्म को आपने जो है सही से फिल करना है। इसमें कोर्स डिटेल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कोर्स डिटेल्स में पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 ये शो हो रहा है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे कि आर्मी सिलेक्शन सेंटर आपने चूज़ करना है कि कौन से सिलेक्शन सेंटर पे आप टेस्ट देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कराची मेंशन कर रहा हूँ तो कराची पे मेंशन करने के बाद आपने पूरी अपनी फुल डिटेल्स लिखनी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो जो डिटेल्स आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो जो पूछी जा रही है वो यहाँ पर आपने क्लिक करते जाना है, ठीक है। तो जैसे आप सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएँ तो गए तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और स्क्रॉल करने के बाद आपकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद फिर आपने जो है फर्दर मोर दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन है तो वो नीचे हम इस ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, फोटो ऐड करने के बाद आप हमारे पास स्पाउस डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स है, उसके अलावा जो है फिर परमानेंट एजुकेशन डिटेल्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, नेशनलिटी, पासपोर्ट डिटेल्स, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, कोचिंग अकेडमी डिटेल्स, ठीक है। अगर आपने कोई अकेडमी ज्वाइन की है ISSP क्लियर करने के लिए या फिर जो है पीएमए लॉन्ग कोर्स क्लियर करने के लिए तो फिर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने नो करना है, ठीक है। तो होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। अल्लाह हाफिज़। उसके अलावा इसी की जो पीएमए लॉन्ग कोर्स की मेरी पहली डिटेल्स बनी हुई है 145 की, जो आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियोज़ में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।